लिख रहा हूं, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट दिया हुआ उसने जी 1 2 3 1 2 1 2 1 1 इज इक्वल टू डैश. इनमें से कौन सी, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो आंसर आता है -2, बीटा उसने बता दिया है -4, चार्ली उसने बता दिया है -6 और डेल्टा उसने बता दिया है -9. ये एमसीक्यू आ गया और आपने क्या कैलकुलेट करना है, आपने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेट करना है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है. तो सुने मेरी बात, एक तो हमारे पास ट्रेडिशनल वे है. ट्रेडिशनल वे क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाएं, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छुपाकर लिखें, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड करें. वो ट्रेडिशनल वे है, जब आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से इसको एक्सपैंड कर देते हो, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तीसरा पॉजिटिव, या फिर हम इसको सेकंड रो से भी एक्सपैंड कर सकते हैं, हम इसको थर्ड रो से भी या किसी भी कॉलम से इसको एक्सपैंड करके हम इसकी वैल्यू प्रॉपर एक्सपेंशन के साथ निकाल सकते हैं. वो तो मेथड बड़ा लेंथी हो जाएगा. अगर वो मेथड बहुत लेंथी हो जाएगा तो एमसीक्यू में तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो उसका एक शॉर्टकट आपको यहां पर बता रहा हूं. आप इस डिटर्मिनेंट को एज इट इज लिखने को, और से देखिएगा 1 1 2 पहला कॉलम, ये शॉर्टकट बताने लगो. शॉर्टकट क्या बना रहा हूं, पहले कॉलम को एज इट इज लिख लें, दूसरे कॉलम को एज इट इज लिख लें, तीसरे कॉलम को भी एज इट इज लिख लें. समझ रहे मेरी बात को, मैंने क्या कहा, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, तीनों कॉलम्स मैंने एज इट इज लिख लिए. अब आपने कॉलम 1 और कॉलम 2 को दोबारा आगे लिखना है, 1 1 2 2 2 1. समझ रहे मेरी बात को, ये मैंने रिपीट किया है किसको, कॉलम 1 और कॉलम 2 को. पूरा डिटर्मिनेंट एज इट इज लिखा और कॉलम 1 और कॉलम 2 को क्या कर दिया, रिपीट कर दिया. मैं दोबारा लिखकर दिखा रहा हूं, यहां पर क्या कर रहा हूं, दोबारा लिखकर दिखा रहा हूं. इधर देखिए, पहले तो सारा डिटरमिनेंट वैसे लिख रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस करिए, 1 1 2, फिर क्या है 2 2 1 2 2 1, उसके बाद क्या है 3 1 1. पूरा डिटरमिनेंट ऐसे जैसे आ गया. कॉलम 1 को रिपीट करें और कॉलम 2 को रिपीट करें. कॉलम 1 क्या है 1 1 2 और कॉलम 2 क्या है 2 2 1. कर लिया. अब जरा लेफ्ट डायगोनल्स मैं यहां पर हाईलाइट करने लगा. इधर देखें, ये लेफ्ट साइड से ना, लेफ्ट से बॉटम, टॉप लेफ्ट से बॉटम, लेफ्ट डायगोनल्स इनको बोल रहा हूं. कर लिया, एक लेफ्ट डायगोनल ये बना, इनको मल्टीप्लाई कर लें. क्या कर लें, 1 2 2 2 1 2, मैं यहां पर रफ में लिख रहा हूं. क्या आंसर आ गया 2. ये जो लेफ्ट डायगोनल की एंट्रीज है ना, 3 एंट्रीज लेनी है. डायगोनल ये भी बन रहा है लेकिन ये 2 एंट्रीज वाला नहीं लेना. कितने एंट्रीज वाला लेना है, 3 एंट्रीज वाला. तो ये लेफ्ट पहला डायगोनल है हमारे पास, 1 2 1, इनको मल्टीप्लाई करने 1 2 2 2 1 2 वो लिख लिया. अब दूसरा लेफ्ट डायगोनल कौन सा बन रहा है, ये वाला 2 1 2 2 2 4, प्लस कर दे 4. फिर तीसरा डायगोनल क्या बन रहा है, ये 3 1 3 3 1 3 प्लस 3. समझ रहे, ये मेरे पास लेफ्ट डायगोनल का रिजल्ट आ रहा है. वो क्या आ रहा है जी, 2 प्लस 4 6 प्लस 3 9. समझ रहे मेरी बात. और उसके बाद हम बात करेंगे राइट डायगोनल्स की. किसकी बात करेंगे, राइट डायगोनल्स की. इधर देखो, यहां पर लेफ्ट डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करके एड अप कर दिया. अब हम किसकी बात करने लगे हैं, राइट डायगोनल की. तो अब सुनिएगा, यहां पर नेक्स्ट क्या है, राइट डायगोनल्स, 2 एंट्रीज नहीं लेने राइट डायगोनल्स में, ये 2 एंट्रीज बन रही हैं, हमने 3 एंट्रीज लेनी. 2 1 1 क्या बनेगा, 2 1 2 2 1 2, एक आ गया 2. फिर उसके बाद ये बन रहा है 1 1 1 1 1 1 1 1 प्लस 1. फिर 3 2 6 6 2, ये तीसरा डायगोनल बन रहा है, 3 2 6 6 2 12. तो ये बन जाएगा 2 प्लस 1 3 3 प्लस 12 15. क्या बन जाएगा, 15. अब आपने लेफ्ट डायगोनल्स में से माइनस कर देना है किसको, राइट डायगोनल के सम को 15.
9 माइनस 15 कितना होता है माइनस 6। समझ रहे मेरी बात को मैंने कैसे की है, ये शॉर्टकट है। तो इस डिटरमिनेंट को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, माइनस 6 मिलेगा। तो इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है और काम तेजी से हो जाता है।